मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी दल वादों की बौछार कर रहे हैं। पहले प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में सत्ता में आने पर 5 गारंटी का वादा किया, तो अब कमलनाथ ने किसानों के लिए 5 वादों के वचन दिए हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के वादों को किसानों से धोखा बता रही है। यह है गारंटी कि पुरानी पेंशन यहां भी लागू होगी, मेरी बहनों के खातों में हर महीने सीधे 1500 रुपए डाले जाएंगे, जो गैस का सिलेंडर आज आपको 1000 रुपए से कम में नहीं मिल रहा है, आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा। 100 यूनिट बिजली आपको माफ होगी, मुफ्त में मिलेगी। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस की गारंटियों का फॉर्मूला हिट हो गया। जबलपुर से ग्वालियर तक प्रियंका गांधी ने महिलाओं से युवाओं तक 5 गारंटियों का वादा किया, तो अब पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा कप्तान कमलनाथ ने भी किसान कार्ड खेल लिया है। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन अब कमलनाथ ने उसे और विस्तार दे दिया है। किसानों के लिए 5 वादे पूरे करने का वचन दे दिया है। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्सपावर, 5 एचपी के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निशुल्क बिजली दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि इनपुट कॉस्ट हम कम करें। इस योजना से प्रदेश के 37 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। किसानों के जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो बकाया हैं, ये राशि भी माफ करी जाएगी। बहुत सारे बिजली के बिल जो बकाया हैं, हम इनको माफ करेंगे। आप लोग भूल गए 2018 में क्या हुआ था? किसान का कर्जा माफ करेंगे कहा था, कर्जा माफ किया किसानों का, 10 दिन में नहीं होगा तो हम ये कर देंगे। कांग्रेस घोषणा करने में और मैनिफेस्टो करने में एक नंबर आती है सत्ता के कुर्सी पे बैठने के लिए, उसके बाद जनता को पूर्ण तरीके से भूल जाती है। और जनता इस व्यवहार से अच्छी तरह आज वाकिफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और हमने करके दिखाया है। कमलनाथ के मुताबिक सूबे में बीजेपी की सत्ता आने के बाद किसानों की आमदनी कम हो गई है, लिहाजा बीजेपी जिस ब्याज माफी का वादा कर रही है उतने भर से काम नहीं चलने वाला है। कमलनाथ ने किसानों के लिए जो 5 घोषणाएं की हैं, उसके मुताबिक किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंपों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे, बिजली बिल का बकाया माफ किया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लिए जाएंगे, 12 घंटे बिजली दी जाएगी। किसानों को 5 वचन देने के साथ ही कमलनाथ ने यह भी घोषणा कर दी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में नर्मदा सेवा सेना का गठन करेगी। 31 जुलाई को नर्मदा आरती से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन कमलनाथ की घोषणा खत्म होते ही मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कांग्रेस को बीते दिनों की याद दिलाने लगे, कांग्रेस पर किसानों को धोखा देने का इल्जाम लगाने लगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता गुत्थम गुत्था हो गए। 55,000 मुकदमे 2018 तक के वापिस हो चुके हैं, लेकिन आपको तो किसी ने बताया होगा तो आपको कहना मजबूरी होगी मुझे लगता है, पर उनको आप एक बार बुलाना जरूर और उनसे ये बात कहना जरूर कि कैसे आपने ये बातें पुराना बिल माफी की, कर्जा माफी की, 5 हॉर्स पावर के पंप की माफी की, एक एक बात को आपको कहना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और कर्जा माफी जो पुरानी नहीं की है उसके लिए आपको जनता से एक बार माफी भी मांगना चाहिए। कृषि न्याय योजना लाएंगे, ये न्याय योजना जो होगी इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे, ये चलती रहेगी हमारी जैसी सरकार बनती है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वासन देता हूँ, जो हमारी पहली घोषणाएं थी, जहाँ हमने पहले किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, इसको हम दूसरी किश्त, तीसरी किश्त में आएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एमपी की जनता से 5 गारंटी पूरा करने का वादा किया। इनमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने,
महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, सरकारी कर्मचारियों के पुराने पेंशन को बहाल करने और किसानों का कर्ज माफ करने की गारंटी भी शामिल थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुद्दों की सियासत अब वादों पर आकर टिक गई है। किसानों पर केंद्रित होकर कमलनाथ कांग्रेस की सत्ता वापसी के लिए वादों की झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अब एक दूसरे से कह रही है, तेरा वादा झूठा, तेरा वादा झूठा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24 भोपाल।